मैं प्रमोचन मित्तल आपका मित्तल इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करें, ये क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपल हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिसे हम डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। आज जानेंगे पार्टिसिपल क्या होता है। ये चैप्टर कक्षा 10 व 12 के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह उनकी सिंथेसिस और ट्रांसलेशन दोनों में ही कार्य इसका आता है। अब लेते हैं, बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं। पहला टाइप है हमारा, पहला इसका जो प्रकार है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। अर्थात पार्टिसिपल को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। पास्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि कोई वाक्य हमारा पैसिव वॉइस का होता है तो हम उसमें हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आते हैं अब हिंदी क्रियाओं में क्या पहचान होती है पार्टिसिपल की, देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम जो क्रिया होती है हमारी, उसके अंत में ते ही, ते हुए, पर आदि शब्द आते हैं। ये हमारे कार्य की निरंतरता को, कार्य की कंटिन्यूटी को जाहिर करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में जो क्रिया होती है उसके अंत में हुआ या हुई या हुए आदि शब्द आते हैं, जो हमारी पास्ट एक्टिविटी को बताती हैं, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार परफेक्ट पार्टिसिपल में क्रिया के अंत में के पश्चात, के बाद आदि शब्द आते हैं। अर्थात यहाँ पर एक कार्य की समाप्ति दूसरे की शुरुआत होती है। देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हमने लिखा कि एक वाक्य में दो कार्य साथ साथ होते हैं, यहाँ पर दो कार्य साथ साथ चलेंगे, इनके बीच में कोई इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पर समय का गैप नहीं होगा। दूसरा हमारा, यहाँ पर एक कार्य के बाद दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो जाता है, या एक कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य होता है, इसमें समय अंतराल नहीं होता। ये किस प्रकार से कार्य करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का मिश्रित रूप होता है। अब हम इसके आपको एग्जाम्पल समझाएंगे, उसके बाद आप समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसको। देखिए मैंने ये हिंदी वाक्य लिखा कि बाजार जाते हुए मैंने सड़क पर एक सांप देखा। यहाँ पर ये देखा, ये मुख्य क्रिया है, एक वर्ब हमारी ये है, एक बाजार जाने का कार्य हो रहा है, एक कार्य ये है यहाँ पर डब्लू वन, एक कार्य ये है हमारा डब्लू टू, दोनों कार्य ये हमारे साथ साथ हो रहे हैं, दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं, दोनों कार्यों में कोई गैप नहीं है। इसका मतलब ये है कि बाजार जाने का कार्य और सांप देखने का कार्य दोनों एक ही समय में घटित हुआ। इस प्रकार के वाक्यों में हमारी जो ये शब्द है जाते हुए, ये हमारा एक वर्ब है लेकिन ये मुख्य क्रिया नहीं है, इसको हम पार्टिसिपल कहेंगे। इसको हम अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, जाने की अंग्रेजी लगाएंगे गो, में आईएनजी जोड़ देंगे गोइंग, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया हमारा गोइंग टू द मार्केट। आई सा ए स्नेक ऑन द रोड। गोइंग टू द मार्केट, आई सा ए स्नेक ऑन द रोड, ये सा जो है हमारी ये फाइनाइट वर्ब है, और ये गोइंग टू, गोइंग जो हमारी ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो दोनों में अंतर समझा कि दोनों क्रियाएं हैं, एक क्रिया ये पर है, एक क्रिया ये है, लेकिन ये हमारी नॉन फाइनाइट है जिसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, इसलिए यहाँ पर जाते हुए की अंग्रेजी हमने गोइंग लगाया, गोइंग टू द मार्केट, आई सा ए स्नेक ऑन द रोड। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल आ सकता है कि पढ़ते पढ़ते बच्चा सो गया।
अब ऐसे वाक्यों में जहां पर ये क्रिया दो बार दोहराई जाएगी वहां पर हम व्हाइल का प्रयोग करते हैं, डब्ल्यू एच आई एल ई व्हाइल। अब पढ़ते पढ़ते इंग्लिश लगाएंगे रीडिंग, ये पार्टिसिपल है, व्हाइल रीडिंग द चाइल्ड स्लेप्ट, सो गया, पास्ट टेंस का है स्लेप्ट, व्हाइल रीडिंग द चाइल्ड स्लेप्ट। तो इस प्रकार ये पढ़ते पढ़ते ये भी हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो यहां पर एक कार्य के साथ ही दूसरा कार्य हो रहा है, एक कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य हो रहा है, ये मुख्य बात है कि इसमें समयांतराल नहीं होता। मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा, एक आध एग्जाम्पल और दे सकता हूं मैं, देखिए एग्जाम्पल बहुत हैं लेकिन समय का अभाव होता है वीडियो बनाने में, इसलिए हम उसने एक अंधे व्यक्ति को अपने हाथ में लैंप लिए हुए मंदिर जाते हुए देखा। देखिए ये हमारा सेंटेंस थोड़ा लॉन्ग है, उसने एक अंधे व्यक्ति को अपने हाथ में लैंप लिए हुए मंदिर जाते हुए देखा। यहां पर लैंप लिए हुए और मंदिर जाते हुए, यहां पर दो हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया, ये भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दोनों की अंग्रेजी होगी, लैंप लिए हुए कैरिंग ए लैंप, मंदिर जाते हुए गोइंग। अब इस प्रकार से जो हमारा सब्जेक्ट ये है, मुख्य क्रिया हमारे क्या है ये है, पहले हम इसको इसको रखेंगे, लिखेंगे ही सा क्या देखा उसने, एक अंधे व्यक्ति को, ही सा ए ब्लाइंड मैन कोमा लैंप लिए हुए, अपने हाथ में लैंप लिए हुए, इसके अंग्रेजी लगाएंगे पहले ही सा ए ब्लाइंड मैन कैरिंग सी ए डबल आर कैरिंग ए लैंप इन हिज हैंड, सॉरी ये वाक्य ऐसे नहीं, इस प्रकार बनाएंगे आई सा ए मैन गोइंग टू टेम्पल कॉमा कैरिंग ए लैंप इन हिज हैंड। अब यहां पर कैरिंग शब्द जो है ये और गोइंग ये दोनों हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है, एक ही वाक्य में दो प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गई हैं। इस प्रकार हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अब लेते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि जब कोई कार्य पास्ट टेंस में होकर एडजेक्टिव का कार्य करे तब वह पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। इसमें पुरानी घटना पास्ट में होती है, दूसरा कि दूसरा कार्य पास्ट में भी हो सकता है और दूसरा कार्य प्रेजेंट में भी हो सकता है। एग्जांपल देखिए, मैंने अपना खोया हुआ बटुआ पाया, ये बटुआ ऑलरेडी खो चुका था, इसका मतलब ये घटना पास्ट में हो चुकी थी। खोया हुआ, यहां पर हमने बताया था हुआ शब्द आता है, खोया ये हमारी लॉस की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, इसके पास्ट पार्टिसिपल बनाए हमने, यहां पर लिख दिया हमने लॉस्ट, तो मैंने अपना खोया हुआ पाया, आई फाउंड माय लॉस्ट पर्स, ये लॉस्ट जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है हमारी, ये फाउंड जो है ये मुख्य क्रिया है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने प्रेजेंट की बात की थी कि मेरे पास
एक फटा हुआ कोट है। आई हैव ए टैटर्ड कोट। यहां पर ये टैटर्ड फटा हुआ ये हमारे पास्ट पार्टिसिपल को शो कर रहा है। ये टैटर्ड जो कोट है ये नाउन है हमारा, ये टैटर्ड हमारी वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अब देख रहे हैं कि कोट कैसा है, कोट फटा हुआ है, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसने टोकरी को एक पेपर से ढका हुआ देखा। उसने एक टोकरी को एक पेपर से ढका हुआ देखा। तो यहां पर ये वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब हमारे मुख्य क्रिया हमारी देखा है, और ढका हुआ ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल है। कैसे बनाएंगे इसकी अंग्रेजी? ही सा ए बास्केट कवर्ड विद ए व्हाइट विद ए पेपर। ही सॉ ए बास्केट कवर्ड विद ए पेपर। ये कवर्ड जो वर्ब आई हमारी ढका हुआ, ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग है। इस प्रकार से हमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना होता है। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने एक जली हुई कार देखी, बच्चा, मैंने बच्चे को सोया हुआ पाया। तो इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं जिसमें हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम पैसिव वॉइस के वाक्यों में भी करते हैं। अब हम लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल इसमें हमने बताया आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक कार्य ये है हमारा, प्लस दूसरा कार्य यहां पर है, दोनों कार्यों में गैप होता है, इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर दोनों में गैप होता है समय में, क्योंकि एक कार्य पहले होता है, ठीक उसे समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य होता है। जैसे एग्जांपल, अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात मैंने आराम किया। अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात, यहां पर कार्य समाप्त करने के पश्चात ये हमारा वर्ब क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल का है। यहां लगाएंगे हम हैविंग, काम समाप्त करने के लिए फिनिश लगा सकते हैं, कंप्लीटली लगा सकते हैं। हैविंग फिनिश्ड माय वर्क, यहां पर कॉमा लगाएंगे, आई टुक रेस्ट। ये इस प्रकार से हमारा वाक्य बन गया। जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम, ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा आपके। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, खाना खाने के बाद हमने वहां
जाना तय किया। खाना खाने के बाद हमने वहां जाना तय किया। तो यहां पर खाना खाने के बाद ये वाली चीज लगाएंगे, हैविंग टेकन फूड वी डिसाइडेड टू गो देयर। क्या अंग्रेजी बन गई, हैविंग टेकन फूड वी डिसाइडेड टू गो देयर। तो यहां पर हैविंग टेकन का प्रयोग हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, और ये हमारी मुख्य क्रिया है डिसाइडेड, मेन वर्ब है। सेंटेंसेस में हम अलग अलग वाक्यों को जोड़ते हैं तब मिलाते हैं। जैसे हमने खाना खाया, उसके बाद दूसरा वाक्य होगा हमने वहां जाना तय किया। तो दोनों वाक्यों को जब जोड़ेंगे तो एक वाक्य बन जाएगा, खाना खाने के बाद हमने वहां जाना तय किया। अब मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं जिसमें आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में अंतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल ये है, पहला एग्जाम्पल में देखिए द पीपल सा ए बर्न्ड कार। यहां पर बर्न्ड का अर्थ हुआ जली हुई। दूसरे एग्जाम्पल में द पीपल सा ए बर्निंग कार, यहां पर बर्निंग का प्रयोग हुआ जलती हुई। अब दोनों एग्जाम्पल को समझेंगे। यहां पर हमारा पास्ट पार्टिसिपल है और यहां पर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखिए क्या अंतर है दोनों में। यहां पर कार पहले से जली हुई थी, द पीपल सा लोगों ने एक जली हुई कार देखी, तो इसका मतलब कार ये पहले से जली हुई थी और यहां पर लोगों ने एक जलती हुई कार देखा। तो यहां पर दोनों कार्य, देखने का कार्य जलने का कार्य साथ साथ हो रहे हैं। इस प्रकार यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है, यहां पर बर्न्ड का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के अनुसार हुआ क्योंकि ये पास्ट में घटना घटी। इस प्रकार से मैं समझता हूं आपको प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर समझ में आया होगा। दोनों इन तीनों तरह के वाक्य आपको बनाने आ जाएंगे, इनका अभ्यास करना है रेगुलरली, और डिटेल हम इसकी बताएंगे जब सिंथेसिस के चैप्टर में पार्टिसिपल का जिक्र होगा। धन्यवाद।